बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ यूनिट नंबर 9, चैप्टर नेम इज़ इस्लामिक कैलेंडर फॉर क्लास 3। वर्ड्स मीनिंग बेस्ड बुनियाद, बिगन्स शुरू करना, माइग्रेटेड हिजरत करना, ऑब्जर्व मुशाहिदा, प्रॉपर मुनासिब। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इस्लामिक कैलेंडर? द इस्लामिक कैलेंडर इज़ अ लूनर कैलेंडर ऑफ 12 मंथ्स विद 29 और 30 डेज ईच। इस्लामिक कैलेंडर क्या होता है? इस्लामिक कैलेंडर चांद की जो साइकिल होती है उसके ऊपर जो डेज काउंट होते हैं उसको कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 29 या 30 डेज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द इस्लामिक मंथ्स। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल, रबीउस्सानी, जमादुल अव्वल, जमादुस्सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िक़र, ज़िलहज। इस्लामिक कैलेंडर मंथ के कौन कौन से मंथ होते हैं इस्लामिक कैलेंडर के? मैंने आप लोगों सारे 12 महीने होते हैं एक साल के और उनके सबके नाम मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच मंथ डज ईद उल फितर कम्स? ईद उल फितर कम्स आफ्टर रमज़ान इन द मंथ ऑफ शवाल। ईद उल फितर कब आती है, कौन से महीने में मनाई जाती है? ईद उल फितर रमज़ान के बाद आती है और इसको शवाल के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वी यूज़ हिजरी कैलेंडर? द हिजरी कैलेंडर इज़ यूज पर्टिकुलरली टू डिटरमाइन द डेज प्रॉपर डेज इन द ईयर। हम हिजरी कैलेंडर क्यों यूज़ करते हैं? हम हिजरी कैलेंडर इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें प्रॉपर डेज होते हैं साल के। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर डेड होली प्रॉफिट माइग्रेट? आंसर, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब माइग्रेट किया था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना माइग्रेट किया था। क्वेश्चन नंबर 6, विच कैलेंडर मुस्लिम्स फॉलोज? मुसलमान कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? आंसर, मुस्लिम्स फॉलो हिजरी कैलेंडर, मुसलमान हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस फ्रॉम द ईयर ऑफ हिजरत। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो कहाँ से शुरू होता है? हिजरत के महीने, हिजरी के महीने से शुरू होता है। 2, मुहर्रम इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। मुहर्रम जो है इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। 3, द कैलेंडर दैट वी नॉर्मली फॉलो इज़ नोन एज ग्रियोग्रियंस कैलेंडर। कैलेंडर जो है महीने का, जिस कैलेंडर को हम रेगुलरली फॉलो करते हैं उसको ग्रियोगोरियंस कैलेंडर कहा जाता है। 4, ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ शवाल। ईद उल फितर जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं? शवाल के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। 5, द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द हिजरी कैलेंडर आर 354 और 355। हिजरी कैलेंडर में साल में कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं या 355 डेज होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स, इस्लामिक कैलेंडर बिगिंस फ्रॉम हिजरत। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो कहाँ से शुरू होता है? हिजरत के महीने से शुरू होता है। ट्रू, मुहर्रम इज़ द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। मुहर्रम जो है वो आखिरी महीना है इस्लामिक कैलेंडर का। इट्स फॉल्स, ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ ज़िलहज। ईद उल फितर जो है वो ज़िलहज के महीने में मनाई जाती है। फॉल्स, द इस्लामिक कैलेंडर इज़ अ लूनर कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो लूनर कैलेंडर है। ट्रू, द वर्ड हिजरा बिकम्स एसोसिएटेड विद द कैलेंडर। हिजरा का जो हिजरा जो है वो वर्ड जो है वो कहाँ से? कैलेंडर से जाके जुड़ता है। ठीक है, ये ट्रू है। एमसीक्यू, द इस्लामिक कैलेंडर इज़ अ लूनर कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर इज़ अ लूनर कैलेंडर ऑफ डैश मंथ्स विद 29 और 30 डेज ईच।
ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। लूनर कैलेंडर जो है उसके महीने कितने होते हैं? 12, 13, 14, 12 महीने होते हैं। और हर महीने में कितने डेज होते हैं? 29 या 30 डेज होते हैं। टू, इस्लामिक कैलेंडर मंथ बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ मून, सन ग्रीन। किसके साइकिल? मून की साइकिल पे इस्लामिक कैलेंडर चलता है, सन की या ग्रीन की? मून की साइकिल पे जो है वो इस्लामिक कैलेंडर चलता है। थ्री, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना ऑन द डेट ऑफ 622 CE। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेट किया था मक्का से मदीना, तो वो कौन सी डेट थी? ए 522 CE, बी 653 CE, सी 622 CE। 622 CE इज राइट वर्ड। फोर, वी सेलिब्रेट ईद उल फितर डैश ऑफ शवाल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट। फाइव, ईद उल अज़हा सेलिब्रेट ऑन 10th, 11th, 12th ऑफ ज़िलहज। ईद उल अज़हा जो है वो कौन से ज़िलहज को सेलिब्रेट की जाती है? 10 को। 17, 10, 19, 10 को सेलिब्रेट की जाती है। इस्लामिक नॉलेज, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन से कबीले से ताल्लुक़ था? हाशमी फैमिली से। क्वेश्चन नंबर टू, विच इज़ वर्बल मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात के मतलब क्या है, मायने क्या है? आंसर, टू प्योरीफाई। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड फर्ज। ऑब्लिगेशन का इस्लाम में को क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेशन है, दैट्स मीन आप पे फ़र्ज़ है, आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।